हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद अली हैदर, तुर्किया में आपका रियल स्टेट पार्टनर। अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या तुर्की के अंदर लैंड फॉर सेल अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, और कंस्ट्रक्शन का क्या तरीकाकार है, इस बिजनेस में कितना फायदा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या लैंड बाय करने पर सिटीजनशिप ऑफ टर्की बाय रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट सूटेबल है या नहीं। ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास लैंड फॉर सेल किन एरियाज में, किस साइज में और किस प्राइस के अंदर अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए $400,000 की कंडीशन है गवर्नमेंट ऑफ टर्की की, उसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे हासिल किया जा सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। आप सब ये जानते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी बाय की जाती है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को मलहूजे खातर रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन लैंड्स की जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सेल, कि ये किस लोकेशन पर वाकया हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस्तांबुल की ज्योग्राफी को अगर समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि E80 हाईवे और E5 हाईवे और ऐसा प्लॉट जो कि सी व्यू के डायरेक्ट व्यू के साथ हो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो रोड्स की हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऐड करने के लिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें E80, तो ये एक ऐसा रोड है जो कि पुर्तगाल से स्टार्ट होता है और टर्की तक जो है वो आता है, यानी यूरोप से लेकर टर्की तक जो है ये रोड कनेक्ट कर रहा है। इसे टेम हाईवे भी बोलते हैं, E80 रोड भी जो है वो बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास लैंड फॉर सेल अवेलेबल है वो वाकया है E5 हाईवे के बिल्कुल करीब तरीन। अब E5 जो है इसे भी इस्तांबुल की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। क्यों? क्योंकि जो मेट्रो बस एशियन साइड से यूरोपियन साइड को कनेक्ट कर रही है पूरे इस्तांबुल के लिए, E5 जो हाईवे है उसके ऊपर ये मेट्रो जो है वो चल रही है। तो हमारे पास जो लैंड्स फॉर सेल अवेलेबल हैं वो बेसिकली कनेक्टेड हैं E80 के साथ भी, और नीचे जो है वो E5 के साथ भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सी व्यू है सी ऑफ मरमरा का, उसे भी बिल्कुल उसके करीब तरीन है। अब हम डायरेक्टली उन लैंड्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास फॉर सेल जो है वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज को आपको समझने की जरूरत है कि टर्की के अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अगर आप 1000 मीटर स्क्वायर की लैंड आपके पास अवेलेबल है तो उसमें कितना एरिया आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कितना एरिया है जो आप खाली छोड़ेंगे। तो इसे हम अपने इस लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है वो हमने शॉर्टकट इसका रखा हुआ है, और हम इसे बोलते हैं टाक्स और काक्स, TAKS और KAKS। तो जो सबसे पहले हमारे पास लैंड अवेलेबल है ये है 1153 मीटर स्क्वायर, यानी 1153 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इसका जो टाक्स है जो कि कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं वो 30% एरिया के ऊपर कर सकते हैं जो कि 414 मीटर स्क्वायर है, यानी 414 मीटर स्क्वायर हम इस 1153 मीटर स्क्वायर में से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और 739 मीटर स्क्वायर की जो लैंड है वो हमें खाली छोड़नी होगी। यानी इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली वो है 30% का और 90% का, यानी 30% जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ओवरऑल जो हाइट में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो 90% तक हो सकती है। अब लेट्स सपोज, मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि ये 414 मीटर स्क्वायर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं टोटल लैंड को, तो अब इसके अंदर आप दो विलाज या तीन विलाज जो है वो भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके जो फ्लोर्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो आप तीन बना सकते हैं, क्योंकि सी व्यू के साथ जो लैंड अवेलेबल होती है कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन इतनी हाइट तक मैक्सिमम जाती है कि जो पिछले कंस्ट्रक्शन के जो प्रॉपर्टीज हैं उनका व्यू जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये बेसिकली आपको फार्मूला जो है वो याद रखना होगा। ये जितनी भी लैंड्स अवेलेबल हैं ये मेनली जो है वो इस्तांबुल के अंदर, और इस्तांबुल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुयुक चकमेजी। तो बुयुक चकमेजी के अंदर एक मजीद जो है वो आगे मोहल्ला है जिसका नाम है कामिलोबा, और कामिलोबा के अंदर ये लैंड अवेलेबल है, और इसकी टोटल प्राइस जो है वो है 9
$1,20,000, यानी इसके ऊपर आप दो सिटीजनशिप जो है वो इजीली ले सकते हैं। सेकंड जो है वो भी हमारे पास कामिलोबा के अंदर मौजूद है और ये 1059 मीटर स्क्वायर है और इसकी टोटल प्राइस है $510,000। इसके ऊपर जो है वो आप 15% सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसलिए बेसिकली इसकी जो है वो प्राइस 50% है ऊपर वाली जो पहली मैंने आपके साथ लैंड डिस्कस की है, और इसमें आप फ्लोर भी सिर्फ दो बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इसकी वजह है कि इसकी प्राइस कम क्यों है। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि E5 जो है वो सिर्फ 400 मीटर स्क्वायर का डिस्टेंस है, जो पहली लैंड है, और जो दूसरी है उसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है E5 से, और जो E80 है उसका पहली लैंड जो है उसका 1 किलोमीटर का है और दूसरी जो लैंड है उसका 340 मीटर जो है वो डिस्टेंस है, और सीव्यू से जो पहली लैंड है उसका डिस्टेंस है सिर्फ 630 मीटर और जो दूसरी लैंड है उसका है 2.5 किलोमीटर। तो ये आपने देखा कि जो E80 की, E5 की और सीव्यू की जो एक्सेस है और जो डिस्टेंस है उसकी वजह से भी प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन कितने एरिया में आप कर सकते हैं और उसके कितने फ्लोर्स बना सकते हैं उसकी वजह से भी। अब थर्ड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी कामिलोबा के अंदर है, बुजुर्ग चकमेजी इस्तांबुल के अंदर। ये टोटल जो है वो 740 मीटर स्क्वायर लैंड अवेलेबल है और इसके ऊपर आप जो है वो दो फ्लोर बना सकते हैं और इसका 20% एरिया आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और टोटल E5 से 400 मीटर के फासले पर, E80 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर और C से 630 मीटर के डिस्टेंस पर वाकया है, और इसकी प्राइस है $520,000। यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की और ये जो थर्ड की, ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, इनकी प्राइस भी सेम है और इनका बस जो प्लॉट साइज है उसमें थोड़ा जो है वो फर्क है। पहला सेकंड जो है वो 1059 मीटर स्क्वायर का है और ये 740 मीटर स्क्वायर का है। चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जलालिया है, बुजुक चकमेजी का एरिया जलालिया के अंदर ये वाकया है और इसके जो साइज है वो है 1065 मीटर स्क्वायर, 1065 मीटर स्क्वायर, और ये $630,000 की है। इसके ऊपर जो है वो आप बना सकते हैं 25% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ये भी E5 से 520 मीटर के फासले पर, E80 से 1 किलोमीटर के फासले पर और C से सिर्फ 600 मीटर के फासले पर, यानी बिल्कुल समंदर के करीब तरीन है। अगर हम बात करें अपनी पांचवी प्रॉपर्टी की तो ये 415 मीटर स्क्वायर है और $385,000 इसकी प्राइस है, जलालिया के अंदर ये भी वाकया है और इसका डिस्टेंस भी जो है वो E5 से 650 मीटर और उसके बाद E80 से 850 और C से 650 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 25% कंस्ट्रक्शन हो सकती है और इसके 4 फ्लोर्स आप बना सकते हैं। ये जितनी भी लैंड आपको मैं बता रहा हूँ ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर आप विलाज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसके ऊपर भी मैं आपको जो है वो जरूर गाइड करूंगा। इसके बाद इस प्रॉपर्टी है हमारी 708 मीटर स्क्वायर, 708 मीटर स्क्वायर ये रकबा है टोटल और $700,000 इसकी प्राइस है और 20% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, थ्री फ्लोर्स बना सकते हैं, 450 मीटर का डिस्टेंस है इसका E5 से, 3.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है E80 से और उसके बाद 670 मीटर का डिस्टेंस है इसका समंदर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 400 मीटर स्क्वायर की, ये बेसिकली जो है वो 20% कंस्ट्रक्शन है और 3 फ्लोर्स आप इसके बना सकते हैं और ये भी बिल्कुल जो है वो करीब तरीन है E5 के, 250 मीटर यानी बिल्कुल E5 के ऑलमोस्ट ऊपर है, E80 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और समंदर से सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ये कुंबरगाज का जो एरिया है बुजुर्ग चकमेजी का यहाँ पर वाकया है और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है वो $340,000 है और ये भी सूटेबल है सिटीजनशिप के लिए। जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी जो है वो सूटेबल है सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी जो कि सबसे छोटी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, 303 मीटर स्क्वायर और ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है इसका वो 25% है, 3 फ्लोर्स आप बना सकते हैं और बात की जाए E5 की तो 760 मीटर का डिस्टेंस है E80 4.7 किलोमीटर का और समंदर जो है वो सिर्फ 173 यानी ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे है, सी ऑफ मरमरा का डायरेक्ट इसका व्यू है और ये जो है वो शिलिवरी के अंदर वाकया है, जो बुजुर्ग चकमेजी का शिलिवरी जो है वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर ये वाकया है और इसकी जो प्राइस है वो $175,000 है यानी $175,000 हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रॉपर्टी बाय करने पर आप एलिजिबल हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए और आपको मजीद प्रॉपर्टी बाय किए बगैर भी सिटीजनशिप लेके जो है वो देंगे और ये गुड न्यूज़ आपको मैं एंड पे जाके जरूर सुनाऊंगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास और है, उसकी प्राइस $850,000 है
765 मीटर स्क्वायर उसका रकबा है और ये दो सिटीजनशिप के लिए सूटेबल है और हम दो सिटीजनशिप आपको इसके ऊपर लेके दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं लास्ट जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से यहाँ पे जब आते हैं तो कहते हैं जी हमने एग्रीकल्चर करनी है या हमने डेयरी फार्मिंग करनी है या हमने कोई कैटल फार्मिंग जो है वो उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्हें इस तरह की लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये जो लैंड है ये 24,500 मीटर स्क्वायर हमारे पास एक पीस मौजूद है, एक 13,800 मीटर स्क्वायर का, एक 11,700 मीटर स्क्वायर का और एक पीस है हमारे पास 5,900 मीटर स्क्वायर का। अब आप इसके जो है वो खुद ही जो है वो बना लीजिएगा कि मरले कितने बनते हैं, कनाल कितनी बनती हैं और एकड़ कितने बनते हैं। और ये एग्रीकल्चरल लैंड है, चनाकली का एरिया है और ये 192,500 डॉलर में आपको जो है वो सबसे छोटा पीस जो है वो हम लेके देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब ये लैंड बाय करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसमें भी हमारी कंपनी आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा के देगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है, फंड जारी करने हैं और वो आपको सारी अप्रूवल्स लेके देगी, वो आपको सारे सर्टिफिकेट्स लेके देगी और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल का जो फॉर्मूला है ईच एंड एवरीथिंग, डिलीवरी डेट्स तक लिखी जाएंगी, आपको सिर्फ वो चाबी जो है वो देंगे और आप अपने विला के जो है वो मालिक होंगे। जिस खुशखबरी का जिक्र मैंने आपसे किया था वो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगरचे $400,000 की प्रॉपर्टी बाय करने के ऊपर आपको सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन ये लैंड जो है अगर आप $2,50,000 की भी बाय करते हैं तो आपको इसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है वो मिनिमम $400,000 की मिलेगी। मजीद जो मालूमात है उनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप विलाज, अपार्टमेंट्स या एग्रीकल्चरल लैंड या कंस्ट्रक्शन लैंड या कोई भी मतलब आप इसके अलावा किसी किस्म की प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं टर्की के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की बेशुमार प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो रेंटल इनकम के लिए भी सूटेबल है, जो एप्रिसिएशन के लिए भी सूटेबल है और जिसके अंदर तमाम जो लग्जूरियस लाइफ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बुक योर फ्री विजिट ऑफ योर ड्रीम प्रॉपर्टी